सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव खिसक रहा है, इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं भी चल रही हैं। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी थी कि पृथ्वी का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल काफी तेजी से खिसक रहा है। ये प्रेस रिलीज कोलोराडो यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर जारी की गई थी। डीएनएस में आज हम आपको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बारे में बताएंगे, साथ ही ये ध्रुव क्यों खिसक रहा है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पिछली चार सदियों तक शांत रहा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अब काफी तेजी से खिसक रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ध्रुव हर साल करीब 55 किलोमीटर की रफ्तार से खिसक रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ध्रुव कैनेडाई आर्कटिक क्षेत्र से खिसकते हुए साइबेरिया की ओर बढ़ रहा है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के शिफ्ट होने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि मोबाइल कंपास में दिक्कत आ रही है। दरअसल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के जरिए ही कंपास की दिशा तय की जाती है। समुद्री जहाज, पैराशूट और हवाई जहाजों के रनवे भी कंपास नेविगेशन के ही आधार पर अपनी दिशा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन तेजी से खिसकते उत्तरी ध्रुव के कारण इन सभी क्षेत्रों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तुलना में करीब 4 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक गया है। 19वीं शताब्दी में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा के दक्षिण में था, जबकि इस वक्त ये ध्रुव कनाडा से रूस के साइबेरिया की ओर तेजी से खिसक रहा है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को 1831 में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। ये ध्रुव पिछली कई सेंचुरीज तक शांत रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव दर्ज किए जाने लगे। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पहले 5 और फिर बाद में 10 किलोमीटर की रफ्तार से हर साल खिसक रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी रफ्तार बढ़ती गई और ये 55 किलोमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से खिसकने लगा। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के तेजी से खिसकने के कारण वैज्ञानिकों को इसकी सूचना जारी करनी पड़ी है, जबकि वैज्ञानिक हर 5 साल में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से जुड़ी जानकारी को साझा करते हैं। वैज्ञानिकों ने पिछली बार 2015 में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया था, जिसके मुताबिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बारे में अगली जानकारी 2020 तक दी जानी थी। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का शिफ्ट होना नेचुरल है। इससे पहले भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल खिसकता रहा है और अभी भी खिसक रहा है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहरी कोर में होने वाली हलचल को इसकी वजह बताया है। दरअसल पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। ये परत भूपटल यानी क्रस्ट, भूप्रवार यानी मैंटल और आखिरी परत को क्रोड यानी कोर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आखिरी परत कोर के भी 2 प्रकार हैं, इन्हें आंतरिक यानी इनर कोर और बाहरी यानी आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का शिफ्ट होना पृथ्वी के बाहरी कोर से ही जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के इस कोर में पाए जाने वाले पदार्थों में आयरन और निकल जैसे पदार्थ मुख्य रूप से शामिल हैं। पृथ्वी के बाहरी कोर में पाए जाने वाले ये पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के बाहरी कोर में पाए जाने वाले यही पदार्थ काफी ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिससे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल खिसकता रहता है। यह मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कारण यह है कि जब बाहरी कोर में पाए जाने वाले ये तरल पदार्थ घूमते हैं तो इनके घूमने की गति में काफी अंतर होता है। ये पदार्थ एक साथ घूमते तो जरूर हैं, पर इनकी दिशा अलग अलग होती है, जिससे पृथ्वी के नीचे काफी उथल पुथल होती है और यहीं से चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। यहां पृथ्वी की आखिरी परत में शामिल आंतरिक कोर के बारे में आपको बताएं तो इसमें पाए जाने वाले आयरन और निकल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन पदार्थों का ठोस अवस्था में पाए जाने के पीछे पृथ्वी का हाई प्रेशर है। जब पृथ्वी का प्रेशर आंतरिक कोर पर पड़ता है तो यहां मौजूद सभी पदार्थ सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, जबकि कम प्रेशर वाले बाहरी कोर के पदार्थ लिक्विड स्टेट में ही बने रहते हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का इतनी तेजी से खिसकना वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्यमयी है। 5 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से खिसकने वाले मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में अचानक से इतनी तेजी क्यों आई, वैज्ञानिक इसको जानने के लिए अपने शोध कार्यों में जुटे हुए हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के मुकाबले चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, और ये बहुत ही राहत वाली बात है।